दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सवाल लगातार उठ रहा है कि कोरोना वायरस से जान बचाने वाली दवा यानी कि टीका कब तक बनकर आएगा, कब तक बनेगा कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन। इसके लिए रिसर्च पूरे जोरों शोरों से चल रही है, 20 से ज़्यादा वैक्सीन बनाने का काम जारी है। एक वैक्सीन का तो इंसानों पर भी ट्रायल शुरू कर दिया गया है ताकि इसके असर का पता लगाया जा सके। दूसरे वैज्ञानिक अभी जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं और इस साल के अंत तक इंसानों को इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है। परीक्षण जारी है और वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन आने में 1 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर वैज्ञानिकों ने इस साल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना भी ली तो भी इसका बड़ी संख्या में उत्पादन होना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि अगला आधा साल भी बीत जाने के बाद भी वैक्सीन तैयार हो पाएगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है कि 4 तरह के कोरोना वायरस हैं जो इंसानों के बीच फैल रहे हैं। इनमें से किसी भी वायरस से होने वाली दिक्कतों के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये टीके सभी उम्र के लोगों को बचाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, लेकिन बेशक ये सब वैक्सीन बूढ़े लोगों में कम प्रभावी हो सकती है। ऐसा वैक्सीन की वजह से नहीं होगा बल्कि इसलिए होगा क्योंकि बूढ़े लोगों का ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होता है और आमतौर पर होने वाली फ्लू में भी यह चीज़ देखी जाती है। तो दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सामान्य पेन किलर समेत सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल किए बिना यह पता लगाना नामुमकिन है कि एक्सपेरिमेंटेबल वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो ये हमें कैसे मिलने वाली है। अगर वैक्सीन बना ली जाएगी तो शुरू में उसकी सप्लाई सीमित होगी, इसलिए कम से कम शुरुआत में इसकी प्राथमिकता तय की जाएगी कि किसको वैक्सीन दी जाए। जो स्वास्थ्यकर्मी COVID-19 से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आ गए हैं वो लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। बीमारी का सबसे ज़्यादा असर बूढ़े लोगों पर हो रहा है, इसलिए अगर दवा उनके एज ग्रुप पर असरदार है तो वो भी प्राथमिकता पर होंगे। हालांकि उन लोगों को दवा देना बेहतर होगा जो बूढ़े लोगों की देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके वैक्सीन के बारे में। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।